रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज रुबीना मलिक और आपको देख के नजर आ रहा होगा कि आज मैं पका रही हूँ दाल। ये है जी मेरी बहुत ही फेमस तड़का दाल। मेरी अम्मी ने मुझे रिसेंटली बताया है कि मैं दाल बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो मुझे लगा कि चलो मुझे फिर से बनानी चाहिए, क्योंकि हमें फिर से स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं 11 अप्रैल तक। तो मैंने सोचा कि, और मुझे जब जब छुट्टियाँ मिलती हैं तो मैं जो है किचन में कुछ भी मज़े का आके बनाती हूँ। तो आज मैं जो है दाल बना रही हूँ। मेरी वर्ल्ड फेमस तो नहीं है, मेरे घर में फेमस है क्योंकि मैं ये अच्छी बनाती हूँ। तो अच्छा, तो ये दाल मेरी अम्मी ने बहुत ही ज़्यादा भिगो दी। आई थिंक ये 2 कप हैं। इसको ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गए हैं, इसको भिगो के रखा हुआ है। अभी इसको अच्छे से वॉश करेंगे, फिर उसके बाद मैं दाल ऐसे बनाती हूँ। आई डोंट नो बाकी लोग कैसे बनाते हैं, शायद ऐसे भी बहुत सारे लोग पहले से भी बनाते होंगे। तो मैं इसके अंदर प्याज भी, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, अगर बड़े साइज़ का हो तो 1 ही, और 3 से 4 टमाटर डाल के जब दाल बॉईल कर रही होती हूँ। इसको अच्छे से वॉश करना इसलिए भी ज़रूरी है कि सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के ही बॉईल कर, और फिर उसके बाद जब ये दाल अच्छे से गल जाएगी तो मैं उसके बाद लगाऊंगी इसको तड़का। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइज, अब इसमें मैंने मसाले की लकड़ियाँ और थोड़ी सी काली मिर्चें डाल के इस पानी को मैं बॉईल करूँगी, उसके बाद इसके अंदर मैं दाल ऐड। ओके जी, तो इसमें मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए हैं प्याज, जिनको इस तरह से काट लिया है, और ये 3 दरमियाने साइज़ के हैं टमाटर। अब इन सबको भी मैं उस दाल के अंदर डाल दूँगी और फिर हम इसको कवर करके पकाएँ। ये ऑलरेडी बॉईल हो रहा है तो इसको हम इसके अंदर डाल देंगे सब कुछ। अब हम इसको कवर कर देंगे, कुछ देर के लिए पकाएंगे और फिर बस इसमें हमें सिर्फ तड़का लगाना होगा। नमक इसके अंदर मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, और अब मुझे अभी याद आया कि इसमें मुझे हल्दी भी डाल देनी चाहिए, क्योंकि जब हल्दी इन सारी चीज़ों के साथ, ये 1/2 टीस्पून है और नमक मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, और जब ये सारी चीज़ें बॉईल होंगी और इनके साथ साथ हल्दी भी होगी तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। और ओके जी, तो तड़के के लिए मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून गरम मसाले का, जो कि मैंने पीस लिया है। ये गोल वाली रेड मिर्चें हैं और ये ग्रीन वाली हैं, और ये जो लहसुन है ये होंगे ऑलमोस्ट कोई 10 to 12 क्लोव्स। इनको मैं बारीक, इनको पीसती नहीं होती, मैं इनको बारीक करके कट कर लेती हूँ। तो पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ। ओके गाइस, सो इसमें मैंने लिया है 3 बड़े चमचे जो तेल के, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी लहसुन। जो गरम मसाला है वो इसमें मैं एंड पे डालूंगी, क्योंकि वो जल्दी फ्राई हो जाता है, अगर पहले डाल दिया तो वो जल जाएगा। और सब्ज मिर्चों को भी बस थोड़ा सा ही टाइम चाहिए होता है पकने के लिए। सो वेटिंग। तो जी, तड़का ऑलमोस्ट अब रेडी हो चुका है। अब हम देख लेते हैं अपनी दाल का। दाल भी ऑलमोस्ट गल चुकी है, और अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर डाल देंगे तड़का जो कि हमने लगाया है। लास्ट टाइम जब मैंने दाल बनाई थी वो थोड़ी थी, वो 1 ही कप था, तो वो 1 कप मुझे बहुत अच्छे से बनाने आता था। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि मेरी अम्मी ने इसके अंदर 2 कप, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा थी, वो डाल दिया। तो आई डोंट नो अब ये कैसी बनेगी, लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। अब हम इसको कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। And it's ready.
और जी ये है मेरी हैप्पी फेस वाली दाल। तो साकिब ने कहा है कि उसको क्रेडिट देना है इस दाल का, हैप्पी फेस साकिब ने बनाया है। मिल गया क्रेडिट? नहीं।